आदमी से बात करना फिजूल है डॉक्टर गोयल, जिस आदमी ने अपने हाथों से 7 लोगों की जानें ले ली। इंस्पेक्टर दीपा सही कह रही है डॉक्टर गोयल, वो कभी तैयार नहीं होगा, वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, वो किसी भी हत्या के लिए अपने आप को जिम्मेवारी नहीं मानता। अब 2 ही दिनों में उसको फांसी होने वाली है, लेकिन इस बात का ना उसे कोई डर है और ना ही कोई पछतावा। सही तो आप दोनों ही कह रहे हैं, मगर फिर भी मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूं। ठीक है, आप जो भी करें लेकिन उसके हाथों से बच कर रहिए। हाँ, क्योंकि एक बार अगर उसके हाथों ने आपको पकड़ लिया तो बस एक सेकंड में वो आपकी गर्दन तोड़ देगा। फिर भी मैं मिलूंगा उससे जरूर। पहले हमने उसे 2 अपराधियों के साथ एक ही सेल में रखा, लेकिन उनमें से एक पर उसने अटैक कर दिया। अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो वो तो उसे मार डालता, इसलिए उस घटना के बाद हमने उसे अलग सेल में रखा। आई यशवंत, तुमसे कोई मिलना चाहता है। मैंने कहा था ना, मैं किसी पंडित पंडित से नहीं मिलना चाहता। ये पंडित पंडित नहीं है यशवंत, ये डॉक्टर गोयल हैं, ये तुमसे बात करना चाहते हैं। मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे डॉक्टर? डरते हो? हाथ मिलाने से डरते हो तो बात क्या करोगे मुझसे? बकवास बंद करो यशवंत। तुझे क्या लगता है मैं बकवास कर रहा हूं? तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। तुमने मुझे फांसा था ना, कभी नहीं भूलूंगा इसे, कभी नहीं। तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 2 दिन बाकी, और जहां तुम जा रहे हो वहां कभी किसी को नहीं मार सकते हो। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए तो मर जाना ही अच्छा है। मैं सच कहता हूं, तुझे तेरे किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं वापस आऊंगा। तुझे क्या चाहिए डॉक्टर? मुझे कुछ नहीं चाहिए, न ही मैं कोई मंत्र पढ़ने आया हूं। यशवंत, ये तो तुम जानते ही हो कि 7 लोगों की हत्या तुम्हारे सर पे है और अब तुम खुद एक भयानक मौत मरने वाले हो। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं डॉक्टर। सवाल अफसोस का नहीं है यशवंत, मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुमने जिंदगी में इतने पाप किए हैं कि उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, बहरहाल उन्हें कम जरूर किया जा सकता है। मतलब ये कि मरते मरते कोई अच्छा काम कर जाओ, जैसे तुम्हारा ये शरीर दान कर दो हमारे हॉस्पिटल को, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी किडनी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिल किसी और के काम आ सके, किसी और का जीवन बना सके। भैया, शरीर दान से बेहतर कोई दान नहीं है, कर दो ये दान। मेरा मतलब मैं किसी की जान ना लूं, जिंदगी तो। हाँ, इस दुनिया मेरा कोई नहीं है डॉक्टर जिसे मरने के बाद मेरी लाश की जरूरत हो। जो चाहिए ले ले, ले ले डॉक्टर। रियली? तो यशवंत, यहाँ यहाँ साइन कर दो, ये दो यहाँ। मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है, ऐसे ले लो ना। मौत भी मुझे बदला लेने से नहीं रोक सकती, मौत भी। वापस आऊंगा मैं, वापस आऊंगा। ब्यूटीफुल, यस ब्यूटीफुल। यहां का वातावरण कितना खूबसूरत, कितना शांत है, शहर से एकदम डिफरेंट। हम जब भी इस फार्म हाउस पे आते हैं, सच मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। सुशील, तुम्हारी पिछली 2 एग्जीबिशंस की प्रेशर के बाद तुम्हें रिलैक्स होने की बहुत जरूरत थी। सच कहूं तो मेरी तो यहां से वापस जाने की इच्छा ही नहीं होती। ठीक है, मैं एक स्कल्प्टर हूं, स्कल्प्चर मूर्तियों से मुझे प्यार है। बेजान पत्थरों को तराश के उन्हें अनमोल मूर्तियां बनाने में, उनमें जान डालने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। पर यहां आने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस यहीं रह जाऊं। सुशील,
तुम चाहो तो भी लोग तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इस खुली जगह में तुम्हें इसलिए अच्छा लग रहा है कि शहर में लगातार कई दिनों के काम के बाद तुम यहाँ रिलैक्स फील कर रहे हो। सही कहा तुमने, ये खुली जगह, ये ताजी हवा, ये ग्रीनरी, पेड़ पौधे, ये सब शहर में आजकल देखने को नहीं मिलते। यहाँ दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। सचमुच बात तो सही है, लेकिन अब चलो भी, लंच तैयार है। लेट्स गो। जस्ट अ मिनट, ये आवाज कैसी है? हाँ, शायद सुनाई दे रही है ना तुम्हें? हाँ हाँ, ये भाई साहब हाँ, ये आवाज कैसी है? कैसी आवाज? नहीं, वो सुनिए। आप उस आवाज की बात कर रहे हैं जी? अरे हम लोगों को तो आदत हो गई है इस आवाज की, अब हमारा ध्यान भी नहीं जाता। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जरूर, चलिए। वाओ, ये क्या है? ये थ्रेशिंग मशीन है। थ्रेशिंग मशीन मतलब? गाय को जो चारा दिया जाता है वो चारा इस मशीन में काटा जाता है। अच्छा, हाँ। एक बार तो भाई हम भी ट्राई करेंगे। अरे नहीं नहीं साहब, ये मशीन बहुत खतरनाक है, आपका ध्यान जरा भी हटा तो हाथ कट जाएगा। अरे नहीं नहीं, हम पूरे ध्यान से करेंगे। अरे नहीं नहीं साहब सुनिए तो, साहब पहले ये मशीन तीन हाथों को खा चुकी है। पिछले सीजन में मेरा भाई विट्ठल आया था, उसका ध्यान जरा सा चुका और घास के साथ उसका हाथ भी कट गया। अरे भाई घबराइए मत, हम पूरे ध्यान से करेंगे। पर देखिए बस थोड़ा सा तो। सुशील, तुम ऐसा रिस्क मत लो, तुम्हारे हाथ बहुत कीमती है। Come on, darling, don't worry, कुछ नहीं होगा मुझे। जस्सी, बाबा हटिए, आप हमें करने दीजिए जरा। ये, ये, ये। साहब संभल के। कितना आराम से हो रहा है। देखा, भाई खेती बाड़ी तो मेरे खून में है। मेरे दादाजी की 200 एकड़ जमीन थी यूपी में। कितना आसान है, आराम से हो रहा है। साहब संभल के। हाँ, डोंट वरी, एक बार और करेंगे भाई। तो क्या कर रहे हो ये? स्मिता, डोंट वरी डार्लिंग, लेट मी एंजॉय द हॉलीडेज, कम ऑन। संभल के साहब। ये लवली। देखो कितनी आसानी से हो रहा है, ये तो मेरे भाई आपका खेल है भाई। सुशील बस करो। Yeah, that's it. अरे सुशील, हाथ सर, मेरे हाथ। सुशील, No! I'm sorry, लेकिन ये हाथ बिल्कुल useless है। Oh my God! इन्हें वापस लगाया नहीं जा सकता। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए, आखिर साइंस किस लिए है, कुछ तो कीजिए प्लीज। दोनों बाजू में सीधा कट लगा है और उससे अभी भी काम कर रही है, लेकिन क्या डॉक्टर मोहन, क्या ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। जरूर कुछ कर सकता है, मैं डॉक्टर गोयल को बुलाता हूं। दोनों बाजुओं की नसें अभी भी रेस्पॉन्ड कर रही हैं, इसका मतलब वो पूरी तरह डैमेज नहीं हुई है। यही सोच रहा, यानी उम्मीद की जा सकती है। क्या डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? मैडम, मैं जो कहने जा रहा हूं वैसा अभी तक किया नहीं गया है और उसके सफल होने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि ऐसे केसेस में कई बार बॉडी नेगेटिव रिस्पांस देती है, यानी जो हिस्सा शरीर में लगाया जाता है शरीर उसे अस्वीकार कर देता है, यानी रिजेक्ट कर सकता है। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर साहब।
मैं तुम्हारे पति को दूसरे हाथ लगाने वाला हूँ। क्या दूसरे हाथ? यानी किसी दूसरे आदमी के हाथ? हाँ, ये हाथ हम किसी ऐसे आदमी के शरीर से हासिल कर सकते हैं जिसकी हाल ही में मौत हुई हो। मैडम, ये तो शायद आप जानती होंगी कि मरने के 6 घंटे के अंदर अंदर शरीर के कुछ हिस्सों को, जैसे दिल, आंखें, किडनी, इनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हाथ? हाँ, हाथ। ये हाथ में किसी मरे हुए शरीर से काट कर तुम्हारे पति के शरीर में लगाऊंगा। डॉक्टर साहब, ऐसा शरीर हमें मिलेगा कहाँ? मैं जानता हूं कहां मिलेगा। यशवंत की बॉडी आ गई जेल से? यस सर, घंटा भर पहले ही जेल से आई है। मैंने उसे वहां रखा है। दिखाओ। आइए। परफेक्ट। फौरन इस बॉडी को ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 में ले आओ ट्रांसप्लांट के लिए। उसके बाद हमने इमरजेंसी ऑपरेशन जो कर डाला, इस किस्म का ऑपरेशन इसके पहले नहीं हुआ है। मैंने आपको नए हाथ लगा दिए हैं, देखिए ना आप इलाके कैसा लग रहा है आपको। परफेक्ट ऑपरेशन, नए हाथ। किसी दूसरे के हाथ आपके शरीर पे हमने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। स्मिता, बिल्कुल बिल्कुल मेरे हाथों की तरह। कितनी कितनी पतली पतली उंगलियां हैं, खूबसूरत, आर्टिस्टिक। डॉक्टर, डॉक्टर वार्ड में भी कोई आर्टिस्ट था क्या? जाने दीजिए ना, इसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है डॉक्टर, अजीब अजीब सा लग रहा है। I feel strange. पता नहीं क्यों अचानक मेरा हाथ सिगरेट ढूंढ रहा था। सिगरेट लिया? लीजिए। हाँ, क्या हुआ? ये तो कभी सिगरेट पीते ही नहीं है। अरे अभी तो पी। Very strange. I don't know. मैं नहीं जानता डॉक्टर। ना चाहते हुए भी पता नहीं मेरा हाथ सिगरेट की तरफ कैसे बढ़ गया। देखिए, ऑपरेशन के समय आपको एनेस्थेशिया दिया गया था ना, शायद उसका कुछ असर अभी तक बाकी है। डॉक्टर, अब मैं जल्दी घर वापस जा सकूंगा ना? Yes, why not? मैंने घुमाई है भाई। क्यों, क्या हुआ? लेकिन तुमको तो गाड़ी चलानी आती नहीं है, कैसे चला ली? हाँ, लेकिन बहुत आसानी से चला ली मैंने। नहीं, मैंने नहीं, मतलब इन हाथों ने। ये तुम क्या कर रहे हो सुशील? पता नहीं, इसमें तो शायद नर्वसनेस है। ठीक है, चलो बैठो, घर चलते।
अंदर चलो। हाँ लेकिन इतना अंधेरा क्यों है? चलो भी। सब क्या है इसमें था? सुशील, तुम्हारे ऑपरेशन के सफल होने की और तुम्हारे सही सलामत घर लौटने की खुशी में हमने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है। ये जरा देखिए तो कौन कौन आया है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फैंस, कुछ प्रेस रिपोर्टर्स और तुम्हारा वो राइवल शांतनु भी। ये सब तुम्हारे ठीक हो जाने की खुशी में यहाँ इकट्ठे हुए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज एंजॉय कीजिए। माफ कीजिएगा सर, मैं आपसे तकलीफ दे रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इतना मुझे ऑटोग्राफ देंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं, जरा मेहमानों का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। लगता है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मजाक? जी सर, ये आपके सिग्नेचर नहीं है। लश। I'm sorry, मैं फिर से साइन कर देता हूँ। लाइए। ये क्या? मैं सुशील क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ? Thank you so much. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यश कौन है? हेलो सुशील जी। हेलो। लोग टाइम से, मैं नीरज। एक्सक्यूज मी सर, मैंने तो सुना था कि आप शराब नहीं पीते। जी। क्योंकि इससे हाथ कांपने लगते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। फिर ये आपके हाथ में क्या है? नहीं, मैंने मैंने ये नहीं लिया था। नो नो सॉरी। सुशील जी, आपको शराब पीना है पीजिए, लेकिन छुपाइए मत, आराम से पीजिए। लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए। हाँ नो। सुशील क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं स्मिता, मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है नहीं ठीक हूँ सर। ये सभी लोग आपको मूर्ति बनाते हुए देखना चाहते हैं। पूरा इंतजाम हो चुका है, पत्थर, औजार वगैरह आपके हाथ तैयार हैं सर? हाँ जरूर। प्लीज। हाँ। प्लीज सुशील, आप मुझे अपने मॉडल बना लीजिए, ऐसा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। रे तो ठीक, आप यहीं खड़ी रहिए, वही लेगा। नहीं मुस्कुराहट लाइए चेहरे पर। देखिए इन्होंने आपकी खूबसूरती को क्या रूप दिया है। ये किसका सर बना लिया सुशील तुमने?
मैं नहीं जानता स्मिता, सच मैं नहीं जानता। क्या बात है सुशील, लगता है तुम्हारे हाथों का जादू खत्म हो चुका है। पहले तुम्हारे हाथों में शराब का ग्लास, फिर भूलने का नाटक, और अब तुम्हारी बनाई ये भयानक। लगता है एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। जहां तक मेरी समझ में आता है दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हैं, there's no problem। और देखो ना घाव भी कितनी तेजी से भर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं डॉक्टर, ये हाथ मुझे अपने नहीं लगते, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी तो सब ठीक होता है, लेकिन अचानक लगता है जैसे जैसे कोई दूसरी ताकत इन हाथों को चला रही है। मगर तुम जो कह रहे हो ना वो पॉसिबल नहीं है। मगर ये हो रहा है डॉक्टर, ये हाथ अपने आप ही सिगरेट और शराब तक पहुंच जाते हैं। हालांकि जिंदगी में मैंने इन चीजों को कभी छुआ तक नहीं। अरे भाई ये सिर्फ हाथ हैं, they are a pair of hands। दिमाग जो कहेगा वही ये करेंगे। अब ये तुम्हारे हाथ हैं, सिर्फ तुम्हारे। हो सकते हैं, लेकिन असल में हाथ किसके हैं? ये हाथ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये देखिए, क्या है ये? यश, अगर ये हाथ मेरे अपने हैं, वाकई अपने हैं, तो फिर साइन किसके हैं? ये नहीं हो सकता, इसकी तो पूरी छानबीन करनी पड़ेगी। ये क्या है? कल पार्टी में जब मैं एक लड़की की मूर्ति बना रहा था तो मेरे हाथों ने क्या बना दिया? यश, हाँ डॉक्टर, यही वो नाम है जिसके मैंने साइन किए थे। कौन है आदमी जिसके हाथ आपने मुझे लगाए? यशवंत की, वो एक पागल किस्म का खूनी हत्यारा था। पुलिस की पकड़ में आने से पहले उसने 7 हत्याएं की थी। पुलिस ने इंस्पेक्टर दीपा की मदद से उसे पकड़ा और उसे फांसी की सजा हुई। मरने से पहले उसने अपना शरीर हॉस्पिटल को डोनेट किया था। उसके मरने के बाद उसी के हाथ काट कर मैंने तुम्हें लगा दी। क्या? एक खूनी के, एक हत्यारे के? आपने एक मूर्तिकार को खूनी के हाथ लगा दिए? भाई इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। अगर हम ये ना करते तो तुम हैंडीकैप हो जाते। बगैर हाथों के तुम क्या करते? मूर्ति बना तो दूर, खाने पीने के लिए मोहताज हो जाते। दूसरों की दया पे जीना पड़ता तुम्हें सुशील। एक खूनी के हाथ मुझे लगा दिए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I'm sorry डॉक्टर, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं अचानक मेरे हाथ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था डॉक्टर, बिलीव मी। मैंने जिंदगी में कभी किसी को हर्ट नहीं किया, लेकिन इट्स ऑल राइट सुशील, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देख के मुझे शॉक जरूर लगा। ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था डॉक्टर, मैं ये सब नहीं करना चाह रहा था। ये हाथ जबरदस्ती मुझसे करवा रहे हैं।
मैं एक डॉक्टर हूँ भाई, ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई और कारण होगा। आपने सब कुछ अभी देखा, फिर भी आप? मुझे तो लगता है तुमने यशवंत के बारे में कहीं कुछ पढ़ा है या उसकी तस्वीर देखी है टीवी या न्यूज़पेपर में। तुम्हारे अंदर एक दबा हुआ गुस्सा होगा जो अब आ रहा है बाहर, और उसके लिए तुम जिम्मेदार ठहरा रहे यशवंत को। बिल्कुल गलत। यशवंत के बारे में मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। वो ठीक है, फिर भी तुम्हारे हाथ तुम्हें इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर नहीं कर सकते। खैर, कुछ दिनों तक तुम्हें अस्पताल में रखा जाएगा। हम कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही शायद हम कुछ कह सकते हैं। प्लीज प्लीज डॉक्टर, कुछ भी कीजिए प्लीज, लेकिन मुझे सबसे बचाइए। आप एक डॉक्टर हैं, प्लीज। सब कुछ ठीक ही लग रहा है ना मोहन? यस सर, सभी उंगलियां बराबर रिस्पॉन्ड कर रही हैं। ब्रेन का वो पार्ट जो हाथ को कंट्रोल करता है वो भी ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब सब ठीक है। क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं मिस्टर सुशील, हम लोग रूटीन टेस्ट कर रहे हैं। यू डोंट वरी, रिलैक्स। डॉक्टर मोहन तुम्हें नींद का इंजेक्शन देंगे, सुबह तक आराम मिल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है गड़बड़ क्या है। आज की रात टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सभी मरीज गहरी नींद में सो रहे हैं, चिंता की भी कोई बात नहीं। लगता है आज की शिफ्ट बड़ी आराम की है। मैं तो इसको कॉफी पी लेती हूँ, नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। अरे हाँ, वो नया पेशेंट हाथ वाला, वो कैसा? वो भी आराम से सो रहा है। अरे श्योर दीपा, तुम अकेली चली जाओगी या मैं आऊं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, 10 मिनट का ही तो रास्ता है, मैं चली जाऊंगी। अरे आखिर पुलिस ऑफिसर हूँ। Thank you.
आज नहीं बच पाएगी। अरे ये तो बेहोश हो चुकी है, इसे हॉस्पिटल ले आना होगा। इंस्पेक्टर दीपा पर हमला मैंने किया था। नहीं, इन हाथों ने करवाया हूं। अच्छा तो ये बात है, तुम जो कह रहे हो ना उसे अगर मैं मान लू तो साइंस झूठी पड़ जाएगी और मुझे भूत प्रेतों में विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन ये सच है, ये हाथ मेरे नहीं है डॉक्टर, यशवंत के हाथ है और यशवंत बदला लेना चाहता है, इसीलिए हाथों ने मुझे दीपा पर अटैक करने के लिए मजबूर किया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तुम्हारे घर जाने से पहले मैं इसकी पूरी छानबीन करवाऊंगा। डॉक्टर साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें हो क्या रहा है। उसे लगता है कि यशवंत के हाथ उससे सब कुछ करवा रहे हैं, बट दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। डॉक्टर गोयल, मैं वार्न कर रहा हूं, इंस्पेक्टर दीपा भी इस अस्पताल में है। मुझे कमरे में बंद कर दो, मुझे बांध के रखो प्लीज। मैं नहीं जानता ये आज तक क्या कर रहे। तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या वो गलत कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया है, या तो वो पागल हो रहा है या फिर वो जो कुछ कह रहा है सच हो। उठाओ। तो हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? क्या कर सकते? मैं इंस्पेक्टर मकरन से कहूंगा कि वो दीपा को प्रॉपर सिक्योरिटी में रखे। आज दोपहर 2 बजे उसका ऑपरेशन होने वाला है, उसके बाद वो यहां से चली जाएगी। जहां तक सुशील का सवाल है, दीपा के डिस्चार्ज होने तक मैं उसके कमरे को लॉक करवा दूंगा।
उसके हाथों को भी बांध कर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ उसने कहा है उसमें जरा सी भी सच्चाई हो तो उसके हाथों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे रोक पाएंगी? इंस्पेक्टर दीपा, अब तू मेरे हाथ से नहीं बच पाएगी। डॉक्टर गोयल सर्जरी में आपका इंतजार कर रहे हैं, 2 बजे ऑपरेशन है। हाँ मुझे मालूम है, 2 बजने में भी आधा घंटा है। मैं सुशील को देख के आता हूँ, उनसे कहिएगा मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। सुशील, 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 क्या क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, अंदर ही है। आपको क्या लगता है कि दीपा? Oh!
से तो बेहतर है कि मैं हाथ ही ना हूं। अरे कहां गया होगा वो? मेरी सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई थी। अरे कुछ हो जाए, चाहे मेरी जान ही चली जाए, मैंने खत्म करके छोड़ूंगा। मैं जानता हूं मुझे तुम्हारे साथ क्या सलूक करना है। Come on, leave me now. No, तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। नहीं। जानता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ? कमी नहीं सीखे तुम मेरी जान लेना चाहता है? कमी मैं तुझे ना तुझे छुटकारा नहीं मांगूंगा, कभी नहीं। सुन, नहीं यशवंत, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। यशवंत के हाथों से छुटकारा पा लिया हमेशा के लिए। हट गया। देखिए, मैं आखिरी बार दोहरा रहा हूँ कि इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने खुद हॉस्पिटल और मॉर्ग में चेक किया, कुछ पता नहीं चला ना? हाँ, नहीं पता लगा, लेकिन जो भी कोशिश की वो मैंने की, आपने क्या किया? क्या मतलब? पिछले 6 महीनों से जो दिन रात एक किया उसका कुछ नहीं। सारे शहर में उसकी तस्वीरें छपाई है, टीवी पर अभी भी दिखाई जा रही है। मैंने खुद दूसरे शहर में जाकर तहकीकात की है। हाँ, ये सब कैसे भुला सकती हैं आप? तो क्या फायदा हुआ ये सब करने का? कुछ पता चला यशवंत का? अच्छा, वो अब खुद आ गए। अब आप ही मिसेस जोशी को समझाइए कि ये पुलिस केस नहीं है। जी, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, अगर यशवंत जोशी का खून हुआ होता या किसी ने उन्हें किडनैप किया होता तो हम मानते कि ये पुलिस केस है। लेकिन अगर कोई आदमी 2 सूटकेस लेकर खुद अपने आप घर से निकल जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? गलत है ये सब। वो अपनी मर्जी से घर से नहीं गए, जरूर कुछ हुआ है उनके साथ। आपने अगर थोड़ी सी मेहनत और की होती तो आज वो मिल जाते, मगर आपने कोशिश नहीं की। मैं आपकी आपके सीनियर ऑफिसर से शिकायत करूंगी। देखिए, आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। रिलैक्स, इसमें इनका क्या कसूर है? ये तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। नहीं भाई साहब, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। भाई साहब प्लीज, आप मेरी मदद कीजिए उन्हें ढूंढने में। प्लीज भाई साहब, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। शी इज क्वाइट अपसेट, इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। देखिए मैडम, आप खामखा पुलिस का वक्त जाया कर रही हैं। ये फैमिली प्रॉब्लम है, क्राइम प्रॉब्लम नहीं है। ये क्राइम प्रॉब्लम ही है। मतलब? मेरे पति को गायब करवाया गया है। किसने? उसके ऑफिस में कोई होगा, एक वो है विनीत। मेरे पति को जब प्रमोशन मिला तो चल के खाक हो गया था। क्या बात कर रही हैं आप? एक प्रमोशन के लिए क्या कोई किसी को गायब करवा सकता है? एनीवे, मैं विनीत से बात करता हूँ। सूर्यकांत जी, आप मेरे साथ चलिए। मैं? हाँ आप, नहीं तो मैडम समझेंगे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और मेरी रिपोर्ट कर देंगे सीनियर्स को। आप विनीत का पता जानते हैं ना? विनीत वो तो ऑफिस में होगा। हाँ तो चलिए। अजीब औरत है, क्या बेवकूफी की बातें कर रही है। मैंने मर्डर करवा दिया यशवंत का। अरे जनाब, अगर इस तरह प्रमोशन को लेकर मर्डर होने लगे तो ऑफिसर्स में तो ढेर लग जाएंगे लाशों के। ऑफिसर्स की बात छोड़िए, पहले ये बताइए कि
आपके यशवंत के साथ कैसे संबंध है? बहुत अच्छे भी नहीं थे और इतने बुरे भी नहीं थे। अब मैं जो आपसे पूछने जा रहा हूं उसका जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। प्रमोशन की वजह से आप दोनों में अनबन थी? जी हाँ थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। अब आप ये बताइए कि जिस दिन यशवंत गायब हुआ या गायब करवाया गया उस दिन के बारे में आपको कुछ याद है? यशवंत ने आपसे कुछ कहा होगा या उस दिन कुछ हुआ होगा, जरा दिमाग पर जोर डालिएगा। देखो यार, उस दिन जब तुम यशवंत की वाइफ के साथ मेरे को मिले थे, मैंने तुम्हें एक बात जानबूझ के नहीं बताई। मैंने सोचा छोड़ो यार, जाने दो, अपने को क्या लेना देना है। क्या बात है यार, उस दिन मैं स्वास्तिक ट्रेवल एजेंसी गया था, वो जो एमजी रोड पर है। मेरी बीवी और बच्चे भुवनेश्वर जा रहे थे, उनका टिकट बुक कराने के लिए गया था। वहां मैंने यशवंत को बैठे हुए देखा, वो एक औरत के साथ वहां बैठा था। कल दोपहर की फ्लाइट के दो टिकट मद्रास के लिए। नाम? मिस्टर एंड मिसेस भागवत। और हाँ, मद्रास के आगे मॉरिशस के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट भी चाहिए। मैं अभी कंफर्म कर देती हूँ। मिस्टर भागवत, आप कैश देंगे या कार्ड से पेमेंट करेंगे? कैश। अरे यशवंत, यार ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मद्रास मद्रास से मॉरिशस, वो भी कल की फ्लाइट में, और ये भागवत का क्या चक्कर है यार? अरे मैं नहीं हूँ यार, मेरे एक दोस्त हैं। अरे यार तेरे सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ, ये भागवत को तो तेरे को भागवत कहके बुला रही है। अरे यार ये कुछ गलत फहमी हो गई है यार। भागवत, भागवत मेरे कॉलेज के जमाने का पुराना दोस्त है, वो विदेश चला गया था, अभी दो दिन पहले बॉम्बे आया है। अरे यार मेरे पास इतने पैसे कहाँ है कि मैं विदेश जाऊँ। मैं भी वही सोच रहा था, तू और मॉरिशस, मेरे को लगा कोई बैंक बैंक में डाका डाला है, अभी बाहर निकलने का प्लान तैयार कर रहा है। आपका टिकट तैयार है। मिस्टर भागवत, आपको बुला रही है वो, और तुमसे यशवंत मैं ऑफिस में। नहीं विनीत, अरे अरे मैंने इस बात को भुला दिया, लेकिन अगले ही दिन जब मैंने यशवंत के गायब होने की खबर सुनी तो मुझे कुछ खटका। उस औरत का वहां होना, खैर छोड़ दो। आपने मुझसे कहा कि यशवंत ने आपको बताया कि मुकेश भागवत उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, राइट? जी हाँ। फिर तो पता लगाना बड़ा आसान है। मैं भी यशवंत के साथ कॉलेज में था, लेकिन मुझे तो याद नहीं आता कि हम किसी मुकेश भागवत को जानते थे। मुकेश भागवत नाम का कोई था ही नहीं। मुझे लगा ही था यशवंत ने ये टिकट अपने लिए और उस औरत के लिए खरीदे थे नकली नाम से। यशवंत और दूसरी औरत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर वो यहाँ इस टेबल पे मेरे साथ बैठा सकता था, ये टेलीफोन हम दोनों एक साथ यूज किया करते थे। जिस दिन वो गायब हुआ उस दिन लगातार दिन भर उसके टेलीफोन आते रहे। एक दो बार मैंने भी बात की, हर बार टेलीफोन पे वही औरत थी। मैंने उसको मजाक में कहा भी, क्या फ्रीलांसिंग कर रहा है क्या यार? चुड़चुड़ा के बोला, नहीं ये ऑफिस का मामला है। झूठ बोला उसने। उसने अपने आप को गायब करवा लिया उस औरत के साथ। सब मद्रास और मॉरिशस के हवाई जहाज के टिकट बहुत पैसे लगते हैं। यशवंत के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, उसके पास पैसे कहां से हैं? खैर जो भी हो, कल मैं स्वस्तिक ट्रैवल एजेंसी जाऊंगा और सारे रिकॉर्ड्स चेक करवा लूंगा, और अगर मुकेश भागवत और यशवंत के सिग्नेचर्स मैच हुए फिर तो केस खत्म। ये तो मियां बीवी का मामला है, इसमें पुलिस का क्या काम है? चलो। मैं कल वहां जाकर इन्वेस्टिगेट करता हूँ, फिर मिलता हूँ। ओके अलविदा। प्रशांत तू यहाँ कैसे? अरे हमारा टेंडर पास हो गया है ना, वो गोकुलवाड़ी में अच्छा, पक्के टूर्नामेंट्स बनाने के लिए, उसके नक्शे पास करवाने के लिए आया था। मैं भी इसी ऑफिस में आया था। तो पुलिस वालों के साथ यशवंत गायब हो गया है ना। यार ढूंढने से कुछ नहीं होगा, वो उड़ गया, गोवा में होगा या तो इंडिया से बाहर निकल गया होगा। मजे मार रहा होगा साला। मजे कैसे मारेगा, उसके पास पैसे कहाँ थे? पैसे भरे पड़े थे उसके पास। तुझे कैसे मालूम?
मुझे मालूम है यार, जान दे। बता दो। देखिए तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तुझे बता देता हूँ, लेकिन ये बात पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचेगी, कसम से। अब बता तुझे कैसे लगता है कि यशवंत के पास पैसे थे? थे नहीं, सूटकेस भर के थे, और ये सब इसी गोकुलवाड़ी प्रोजेक्ट की वजह से थे। जिस दिन वो गायब हो गया उसके दो हफ्ते पहले एक शाम को पिलाने के लिए मैं उसे एक बार में लेकर गया था। हाँ। ये गोकुलवाड़ी प्रोजेक्ट का टेंडर यशवंत की कंपनी से निकला था। 1000 घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, करोड़ों रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट था, और मेरी कंपनी ये चाहती थी कि किसी भी हालत में कॉन्ट्रैक्ट उसे मिले, और इसीलिए मैं उसे बार में लेकर गया। देख यार, एक दोस्त को ही दूसरे दोस्त की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, क्यों नहीं, आखिर दोस्त होते किस लिए है यार? मगर यार अपनी दोस्ती का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, न तुम्हें हुआ है न मुझे हुआ है। अब यार क्या बक रहा है यार, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख यार, तुम्हारी कंपनी ने एक बहुत बड़ा टेंडर निकाला है 1000 घर बनाने का, और मेरी कंपनी ये चाहती है कि वो टेंडर सिर्फ हमें मिले। यार मुसीबत ये है कि दूसरी और 50 कंपनियां भी यही चाहती है कि वो टेंडर उन्हें मिले। यार मुझे सिर्फ इतना पता चले कि सबसे लोएस्ट टेंडर कितना है, बस हम वही भर देंगे, मजा आ जाएगा यार, हमारा काम हो जाएगा। देख भैया, इसका एक ही तरीका है, तुम मेरी कंपनी के उस मैनेजर से बात करो जो इस वक्त टेंडर्स की एप्लीकेशंस वगैरह संभाल रहा है। वो तुम्हें बताएगा सबसे कम कीमत कितनी है, तुम उससे कम कीमत का टेंडर भर दे, टेंडर तुम्हारा। पर यार उस मैनेजर की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। देख यार, ये टेंडर करोड़ों का है, अगर वो मैनेजर हमारी मदद करेगा तो 8-10 लाख रुपए उसे दे देंगे। तब तो मैनेजर जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तो फिर उस मैनेजर से मुझे मिला दो ना यार। मिला दिया समझो, अभी इसी वक्त। अरे वो मैनेजर मैं हूँ यार, क्या बात कर रहे हैं यार। यस, इसलिए मुझे मालूम था कि उसके पास बहुत पैसे हैं। एक मैं ही था जिसने उसे 10 लाख रुपए दिए। 19 तारीख की सुबह को उसे पैसे मिल गए, हमें खबर मिल गई और हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब समझे, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था कि पुलिस को ये बात नहीं बतानी चाहिए। 10 लाख, ये तो बहुत सारे पैसे हुए। बस आराम से जिंदगी बसर कर रहा होगा किसी नए दोस्त के साथ। मैं भी उसका एक अच्छा दोस्त हूँ। उसने मुझे तो कभी नहीं बताया किसी औरत के बारे में, ना ही इन पैसों के बारे में। अरे कौन बेवकूफ ऐसा होगा जो सारी दुनिया को बताएगा कि वो घूस खाता है। ये भी ठीक है। फिर अरे हम तो डायमंड बार के पास पहुंच गए, मुझे तो यही उतार दे। क्यों? हाँ, तुम्हारी पीने की आदत नहीं छूटी? नहीं, कम किया है, थोड़ा कम पीता हूं। आज तो यशवंत के बारे में जो सुना है उससे तो मेरा विश्वास ही उठ गया जिंदगी से। आदमी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। मुझे लगता है आज तो मैं पूरी बोतल पीऊंगा, पूरी बोतल। आता मेरे साथ? नहीं यार, अभी अभी मुझे जॉन्डिस हुआ। फिर श्योर? नहीं, वन फॉर द रोड। नहीं यार, तुम जाओ यार। अच्छा, पर मुझे यहां होता। हेलो हेलो, क्या बात है? सब खाली खाली, कोई नजर ही नहीं आ रहा। ये भी आती होगी। अबे 7 से पहले शुरू हो गया तू? आ गया तुम? अरे अपना तो रोज का काम है। कल नहीं आया तुम? कल मैं बोतल घर ही ले गया था, सस्ती पड़ती है ना। अभी कहां से आ रहा है? प्रशांत के साथ था, वही छोड़ के गया मुझे। प्रशांत के साथ? उसके साथ क्या कर रहा था? पूछ मत यार, ये अपना यशवंत गायब हो गया है ना, पुलिस उसके बारे में छानबीन कर रही है।
बस था मैं भी सब कुछ। यशवंत भी साला बड़ा छुपा रुस्तम निकला, अपना असली रंग दिखा दिया उसने। मतलब सब कितनी बार मना किया था उसे कि उस लड़की के पीछे मत पर। अरे शादीशुदा आदमी है, आ गया ना उस लड़की के साथ। कौन लड़की? ठीक। अरे देखा होगा तूने उसे? मुझे तो याद नहीं आ रहा। लेकिन यार मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो उस लड़की के साथ वाकई भाग जाएगा। तो तुझे अब कैसे लगा कि उसी के साथ भागा होगा? ठीक भाई, 15 साल रोज दारू पीने के बाद अपने दिमाग के एकदम 12 बज गए। पहले से बजे हुए तो। मैं अपने आप अब कुछ नहीं सोच सकता। यशवंत ने बताया था मुझे। यशवंत ने बताया था? भाई को मिला था? नहीं यार। बाद में नहीं, पहले मिला था। उस दिन करीब 7 बजे के वक्त वो यहाँ आया था। हम दोनों उस टेबल पर बैठे थे। 650 रुपये साहब। 650? अरे मेरी बीवी मेरा गला घोंट देगी। महीने भर के लिए जो पैसे थे वो एक ही दिन में खर्च हो रहे हैं। अरे छोड़ना यार, मैं दे रहा हूँ ना। अरे नहीं यार, तू भी तो मेरी तरह कड़का है। मीना चिल्लाएगी तुझ पर। बाहर में गई मीना, उसे इससे क्या मतलब? मैंने कहा ना मैं दे रहा हूँ, बस बात खत्म। अरे यार महीने का आखिरी और तुम्हारा पर्स अभी तक भरा पड़ा है। ये तो कुछ भी नहीं है यार, बहुत है मेरे पास, रखे हुए एक जगह दबा के 10 लाख। अरे यार क्यों मजाक करता है? ये क्या है? तेरे घर की चाबी है क्या? घर नहीं है यार, लॉकर, लॉकर की चाबी है। बैंक लॉकर की? अरे नहीं यार, वो मेरिन स्विमिंग क्लब है ना, मैं वहाँ का मेंबर हूँ, वहाँ का एक लॉकर है मेरे पास, बस सारे पैसा वही रखे हुए है। कल उड़ जाऊंगा मैं 10 लाख रुपया लेके। मगर तेरे पास 10 लाख आए कहाँ से? वो तू जाने दे यार। तुमने वो चाबी देखी थी? हाँ, 203 नंबर की, लॉकर नंबर 203। उसे 203 नंबर का लॉकर खोलना था और रुपए निकालने थे 10 लाख। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं उसका खून कर दूं और रुपए लेकर भाग जाऊं कहीं दूर। तुमने वैसा किया? हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन वो जहां कहीं होगा मजे लूट रहा होगा। हम लोग उसे यहाँ पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। चलिए मैं चलता हूँ। नहीं अरे ये लेता जा रही, क्या कर रहा है? नहीं नहीं मैं ये रहता हूँ। अच्छा तुम चल रहे हो या? मैं अभी थोड़ी देर बैठूंगा। ठीक है, गुड नाइट। ना चाबी नंबर 203। हाँ, मैं जब यशवंत के साथ पत्ते खेल रहा था तो उसके पास एक चाबी तो थी। विवेकांत, तब तक पिछले कई हफ्तों से किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, क्यों? अब तक तुम 10 गेम हार चुके हो। पलटेगी पलटेगी मेरी किस्मत, जरूर पलटेगी, देखते जाओ तुम। देखो सूर्यकांत, अब तक तुम 11,400 रुपया हार चुके हो, यह बहुत बड़ी रकम है और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे पैसे तुम पहले दे दो, अभी। यार टाइम दे यार, कितनी बड़ी रकम है, इसे जुटाने में कुछ दिन तो लगेंगे ना। अच्छा चलो, एक मौका और देता हूं तुम्हें, ये आखिरी बाजी होगी। अगर मैं जीत गया तो पैसे डबल होंगे और
तुम जीत गए, पैसे बराबर। एक आखिरी गेम, मैं जीता 22,800 रुपए, तू जीता फ्री, कुछ मत देना। पहले सब बहुत चढ़ चुका है, मैंने तो सोचा तुम एक अच्छे जुआरी हो। लो काटो। जीत गया, तुम हार चुके हो, अब तुम मुझे 22,800 रुपए दोगे। ओके बॉस, तुमने जरूर कुछ गड़बड़ की है, पता लगाता है। तुम हार गए इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और मुझे मुझे धोखेबाज कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? करता है ताश खेलता जुआरी बनता है, बेईमानी से जीतता है। मिस्टर सूर्यकांत, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें कैसे पता चला? यशवंत की लाश हमने एक हफ्ते पहले ढूंढ निकाली थी, और मिसेस मीना जोशी की मदद से तुम्हें पकड़ने के लिए ये प्लान बनाया। मतलब वो 10 लाख, वो औरत, वो सब। मैं उससे कभी किसी ट्रेवल एजेंसी में नहीं मिला। स्वास्तिक ट्रेवल एजेंसी नाम की कोई चीज नहीं। मैंने उसके साथ कभी बार में दारू नहीं पी, और ना ही उसके पास कोई चाबी थी। मेरे पति ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, तुम्हारी तरह नहीं। और मैंने उसे टेंडर की खबर देने के लिए कोई 10 लाख वगैरह नहीं दिए थे। यशवंत की लाश हमें एक हफ्ते पहले मिली थी, और उसके आस्तीन से 3 ताश के पत्ते मिले थे। उसका मतलब उस रात उसने मुझे सचमुच धोखा दिया था। यशवंत की सिर्फ एक ही खराब आदत थी, पत्ते खेलना, और तुम ही एक आदमी थे जिसके साथ वो पत्ते खेलता था। हमें विश्वास था कि तुम ही ने यशवंत को मारा, लेकिन हमारे पास ठोस सबूत नहीं था। अच्छा, इसीलिए मुझे फंसाने के लिए तुमने ये सब झूठी कहानियां बनाई। हाँ, इसीलिए हमने उसकी लाश को दोबारा जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि हमें विश्वास था उस 10 लाख की लालच में तुम यहाँ जरूर आओगे, और वैसे ही हुआ। तुम अपने जाल में खुद ब खुद फंस गए। और ये चाबी? ये तो यशवंत के घर की चाबी है। ये चाबी मेरे भविष्य के दरवाजे खोलेगी, तो मेरा भविष्य अब जेल में। हट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।